बस तो आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्वीट कॉर्न के साथ। सुबह हो गई है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, इधर बर्तन भी धो लिए, नाश्ता कर रहे हैं। क्या है? जादू 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 के परी जादू जादू ये क्या है? ये टकला टकला कौन कर दिया है? पापा उधर 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 हाँ। आओ गुड मॉर्निंग बोलो दोस्त लोगों को। अच्छा से गुड मॉर्निंग दो। नमस्ते नमस्ते। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग को मान जाते हैं। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? ओके बाय बाय बाय। कैसे बाय बोलते हैं? बाय बाय। खाएगी थोड़ी? हाँ पैर को खून रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, आज खा रहे हैं स्वीट कॉर्न। हाँ कुछ काट रहे हैं चींटी चर नहीं करो तो। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम मतलब कि आ गए थे बाजार कुछ सब्जी लेने के लिए। आलू ले लिए हैं दीजिए तो, और धनिया पत्ता भी लेना था लेकिन नहीं मिला, सुबह सुबह ही गए थे। और आज जत्रा होने के कारण बाजार को हटाया जा रहा था, सब बाजार लगा लिए थे, कितनी सबको हटाया जा रहा था क्योंकि जत्रा लगने वाला था दिया था। तो फिर हम लोग आलू लिए, उसके बाद देखिए कहाँ चलेंगे, इसकी ठेला पकड़ लिए। इधर मेला लगने वाला है इसीलिए स्टेज बन गया है, बाजार से सामने हटा रहे हैं। सब साफ करो भाई, फूटा एखन गाइड अति आई याने कहना चाहिए सब जाना था, सब जाना था लेकिन जाई के कोई लगा ला ऊ लगा ले ऊ लगा ले ऊ लगा ले। कोई ये एक आदमी है ना रखी कोई देखिए, लड़का लोग सब बाजार बंद करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ठेला का बाजार लगा हुआ है। नहीं तो क्या देख सकते अंकल जी ठेला बेच रहे यूट्यूब में। हाँ बताइए आप, इतना बड़ा 150 है। अच्छा ऊपर भी लीजिएगा। हाँ 150। हाँ अच्छा लीजिए 80 रुपया। ठीक है ये अच्छा दिख रहा है। कितना? 60 रुपये का है। 60 रुपये और त्रिपाल सभी रखते हैं? बोरा ही का है ना? बोरा वाला त्रिपाल है, क्या कहते हैं, कितना रेट है इसका? ये वाला 250 का है। ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं? ज़्यादा नहीं है 250। 200 में देंगे 200 में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को थैला और इस तरह का सामान
तरह का सामान लेने के लिए आप इस अंकल के पास आ सकते हैं। नगरी बाजार में अंकल बाजार लगाते हैं। पूरा मैदान खाली कर दिया है, टकली इधर लगेगा जब पूरा लगता है। इधर मुर्गा मीट का दुकान है, साइड में इधर मछली भी मिलता है। उधर आगे दिखाएंगे, आगे मटन सब कटता है। यहाँ पे डोरी सब मिलता है और इधर होलसेल सब्जी सब इधर जाता है बाहर, अदरक वगैरह सीजनल सब्जी वगैरह और ऑल, अभी तो ऑल है आदि है और बीन सब है, मिर्चा वगैरह जाता है। दोस्तों हम लोग को मटन लेना था इसलिए इधर जा रहे थे, लेकिन इस आदमी ने हमें बहुत परेशान किया। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ना, जैसे कि कुछ क्राइम कर रहे हैं। वीडियो क्यों बना रही हो, यहाँ क्यों आई हो, इस तरह का मूड ख़राब हो गया। फिर मटन बिना लिए हम लोग घर आ गए दोस्तों, और इधर कुछ पार्सल भी आया था हम लोग का, केटल मंगाए थे क्योंकि गर्म पानी पीने के लिए बार बार चूल्हा जलाना पड़ता था, इसलिए ये केटल मंगा लिए हैं। देख रहे थे क्योंकि कभी कभी सामान ख़राब भी आ जाता था, पर हमने चेक कर लिया है दोस्तों, कुछ भी ख़राबी नहीं है, पूरा सही था सामान। देखिए कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, पैकेजिंग से लग रहा था कि डिफेक्ट सामान आया है, पर बिल्कुल सही सामान आया है। पानी रखो गरम करें, दोस्तों देखिए इधर मुर्गा डूब गया है पानी में, अभी मरा नहीं है, बैठा हुआ तैर रहा है, अभी इसको निकालेंगे। चुपचाप से बैठी हुई है, कब डूबी है ना। हाँ अभी निकलेगा, दिखा दोस्तों, नहीं मोर हो जिंदा। देखिए दोस्तों निकाल लिए है मुर्गी, मम्मी पकड़ जिंदा है, झुको कर देंगे। मम्मी ले जा रही है अभी, बेचारी कब से डूबल है, नहीं तैर रहे थे, पूरा पैर सीधा कर ली थी। इसका जान बच गया नहीं तो मर जाती। ए दे आ कर तो कखने से डूबल हो तो चाकू से काटना भर तो हो ना, और क्या करना, जिंदा हो गए सुख तो गई। कैसे गिर ठंडा लगा था गिर सर ने। दोस्तों चिकन बड़ी डूबा हुआ था, मर जाता, इसलिए हम लोग मरने से पहले इसको काट दिए क्योंकि खाने के लिए ही पालते हैं। नहीं उसका अथी है, कहाँ लगी, मम्मी बोली काट दो तो फिर हम चिकन को काट दिए। दोस्तों अभी चिकन बना रहे हैं, चिकन को पहले फ्राई करके रख दिए हैं, और आलू को सुबह में ही आलू को बॉईल किए थे आलू चोखा बनाने के लिए, तो मम्मी मछली बनाई इसीलिए नहीं बनाए, बाद में बनाएंगे बोल के, तो अभी उसी को चिकन में डालेंगे। इधर टमाटर काट के रखे हुए हैं, दिखाते हैं इधर, ये रहा चिकन, इसको फ्राई कर दिए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है सुंदर। इधर प्याज भी फ्राई हो रहा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कोयला का चूल्हा हम बना रहे हैं। अरे हम किस में डब्बे में बैठे पगली, इसको पूरा ब्राउन करेंगे,
दोस्तों देखिए इधर प्याज फ्राई हो गया है, इसको साइड कर देते हैं। अब इसमें मसाला डालेंगे। आँच भी कम हो गया है। इसमें पहले डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, यह है थोड़ा सा लाल मिर्च। ये सबको डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देख रही है ना, अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी पकेगा साथ में। अभी नमक डाल रहे हैं। कौन वाला इधर पुचकी क्या मांग रही हो? क्या है तो हमको नहीं दिख रहा है। मच्छर भी काट रहा है। रुको, इसको चलाने दो, हटिए, तेल छिटकेगा, हट जाइए। ओ मच्छर, का झूठ चीज का मांगती है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। कौन बता देता? आप मत बताइए, छोड़िए, रहने दीजिए। इसको पकने देते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर मसाला भी भुन रहा है, तेल निकल रहा है, इसका मतलब समझिए कि मसाला भुना गया है। थोड़ा सा और भून लेंगे। ये रहा चिकन, इसको भी अब डाल देते हैं, साथ में भुन जाएगा। दोस्तों इसमें भी और मसाला डालना बाकी है, पहले ही डालना था चिकन से पहले, लेकिन हम भूल गए। धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ये तीखा वाला लाल मिर्च, इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों अभी चिकन भुंजा गया है, अभी इसमें ऊपर से हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए तेल छूट रहा है, तो देखिए इसमें कुछ हरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से। देर और छोड़ देते हैं। दोस्तों 2 मिनट हो गया है, अभी इसको देख लेते हैं। पकड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आहा, मिर्च का जो खुशबू आ रहा है ना, बता नहीं सकते हैं ना, अच्छा एकदम खुशबू आ रहा है ना। अभी ये खाने का मन कर रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पहले से गरम किया हुआ है। इसमें डाल देंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी। और थोड़ा सा डाल, काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे। भाग रही है। दोस्तों हम चिकन मसाला डालना भूल गए थे, अभी थोड़ा सा चिकन मसाला, रुको ना पकने दो, थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देते हैं, ये पकेगा। तो दोस्तों काफ़ी देर हो चुका है, अभी देखते हैं चिकन को। अरे वाह, सारा तेल ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छा दिख रहा है। दोस्तों अभी धनिया पत्ता लेने गए थे तो मिला नहीं, क्योंकि बरसात में सारा ख़राब हो गया है। सुबह में भी गए थे नगरी बाज़ार तो वहाँ पर भी नहीं मिला। अभी गए थे यहाँ बगल में चौक, वहाँ भी नहीं था। ऐसे ही खाना पड़ेगा आज। चिकन तो हो चुका है रेडी, अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसको उतार देते हैं। दोस्तों आधा बड़ी माँ लोग के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि बड़ी माँ ही मुर्गी दी थी तभी, तो निकालते हैं। फिर एक टांग दे देते हैं, हो जाएगा लग रहा है। हम लोग के लिए रखते हैं, तब बड़ी मन लोग के लिए दे देते हैं।
देखिए क्या ही मस्त दिख रहा है, पूरा टेस्टी। मेरा मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जाते हैं जल्दी से पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम भी खाएंगे। चिकन ला दे रहे। हाँ बन गया। नीचे हमको बनाने में देरी लगता है। चलो खाना खाने जा। मम्मी का गोदी में बैठी है। दोस्तों इधर देखिए रोटी बना रहे हैं, क्योंकि हम रात में खाना नहीं खाते हैं। घी डालेंगे, सूखा हुआ रोटी भी पसंद नहीं है हमको, इसीलिए घी डालते हैं। फ्रिज में रखा हुआ था आटा, इसलिए गोल नहीं बना, टाइट हो गया है। तो दोस्तों मेरा खाने का थाली रेडी हो चुका है, भूख भी बहुत जोर से लगा हुआ है। और ये रहा आलू चोखा, चिकन, रोटी, और आज के लिए बस इतना ही। चलिए चल के खाते हैं। तो दोस्तों अभी हम रोटी खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये रहा रोटी सब्जी। हाँ नहीं रहा दोस्तों, पहले आप लोग खाइए उसके बाद मैं खाऊंगी। लो पुचकी, पहले पुचकी को खिला देते हैं। देख के एकदम रहा नहीं जा रहा है, बहुत टेस्टी बना है। एंजल भी आ गई है। जहाते चिकन और रोटी। एंजल को खिला रहे हैं। तो दोस्तों ये चिकन बहुत ही टेस्टी बना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग पे। तब तक वेट करिए। बाय बाय।